हेलो एवरीवन, आज के इस अंक में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती 2017 में आयोजित की गई थी, उस भर्ती के राजनीति विज्ञान के प्रश्न पत्र पर। और यह इसका भाग दो है। कल भाग एक में हमने इस प्रश्न पत्र के पहले के 50 प्रश्न हल किए हैं, आज हम आखिरी के 50 प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आप राजनीति विज्ञान से लेक्चरर, यूजीसी नेट, यूसेट यानी स्टेट सेट, और इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक और हेल्पफुल होने वाला है। चलो प्रारंभ करते हैं आज के इस अंक को। इस प्रश्न पत्र से संबंधित यह भाग दो है। भाग एक में हमने टॉप 50 क्वेश्चन हल किए थे। यदि आपने अभी तक वह वीडियो वॉच नहीं की है तो उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया है, आप उसके लिंक पर क्लिक करके उसे वॉच कर सकते हैं। इस सेशन को आप आराम से वॉच कीजिए, आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसमें 51 नंबर का प्रश्न था, निम्नांकित में से कौन पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है। पद सोपान की जो मौलिक विशेषताएं होती हैं, इन चारों में से कौन सी एक उसकी विशेषता नहीं है। आदेश की एकता होती है, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता भी होती है, उचित माध्यम का सिद्धांत होता है, लेकिन निर्देश की बहुलता नहीं होती। निर्देश की बहुलता का मतलब जब एक ही व्यक्ति को कई लोग निर्देश देंगे, तो यह इसमें नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, इसमें भारत में कैग की भूमिका के बारे में निम्नांकित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सही है। कैग, जिसे अंग्रेजी में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो कौन सा कथन सही है कैग के बारे में इनमें से। कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का यंत्र है, इसके कार्यों को संघीय स्तर पर वित्त मंत्रालय परिभाषित कर सकता है, नहीं है। कैग की सिफारिशों की जांच न्यायपालिका कर सकती है, गलत है ये भी। कैग प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्य करता है, यह भी गलत है। तो सही है ऑप्शन नंबर ए, कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने का कार्य करता है। ठीक है, तो वित्त में जो असावधानियां होती हैं उनका पता लगाने के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक यंत्र है यानी कार्य करता है। तो प्रश्न नंबर 52 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सुशासन का संकेतक नहीं है। सुशासन का संकेतक नहीं है यानी गुड गवर्नेंस का संकेतक नहीं है। कानून का शासन होता है, भ्रष्टाचार की समाप्ति में भी सुशासन में होती है, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन होता है, लेकिन नौकरशाही प्रशासन इसमें नहीं होता, और यही इसका उत्तर होगा। तो नौकरशाही प्रशासन सुशासन का संकेतक नहीं है, बाकी ए बी और सी सुशासन के संकेतक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है। इनमें से कौन सी एक विशेषता नव लोक प्रबंध की नहीं है। स्थानीयकरण, यह तो इसमें होता है, बराहीकरण भी होता है, राजनीतिकरण इसमें नहीं होता, वी नौकरशाहीकरण इसमें होता है। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, नव लोक प्रबंध की विशेषता नहीं है राजनीतिकरण, तो यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी स्थानीयकरण, बाहरीकरण और वी नौकरशाहीकरण, यह इसकी विशेषताएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न था, इसमें नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्न में से कौन समर्थक था या थे। नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत, मार्टिन जी इवांस, रॉबर्ट जे हाउस, ए तथा बी, दोनों में कोई नहीं, दोनों ए तथा बी, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस, ये दोनों नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के समर्थक थे, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था,
अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अभिप्रेरणा का जो पुरस्कार सिद्धांत है उसके फाउंडर प्रतिपादक कौन थे? पीटर ड्रेकर यह नहीं थे, मैक्रीगोर नहीं थे, एस ई फाइनर नहीं थे, सही उत्तर है एफ डब्ल्यू टेलर। तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत संबंधित है एफ डब्ल्यू टेलर से, यानी टेलर का है यह, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न था इसमें, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन संबंधित है। मनोबल के बारे में किसने कहा कि यह एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह पूछा गया था। एलडी व्हाइट, जेडी मुने, डिमार्क एम डिमार्क या ई सी डेविस, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, यह कथन संबंधित है एलडी व्हाइट से, तो यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था इसमें, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो यूएनओ के द्वारा कौन सा वर्ष प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया, 1963, 1966, 1969 या 1970? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 1968 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानवाधिकार वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न था, मोर्टन कापलन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के कितने प्रतिमान होते हैं? ऑप्शन थे 4, 6, 8, 10। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6। मार्टन कापलन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के 6 प्रतिमान होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न था, एशिया का कौन सा भाग दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? तो एशिया महाद्वीप के किस भाग को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या मध्य एशिया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, मध्य एशिया को दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है आम सभा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक अंग है आम सभा, ठीक है। तो आम सभा द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था, इनमें से किसको, 1950, 60, 70, 80 या 80-90? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 1970-80 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा है उसके द्वारा प्रथम निशस्त्रीकरण दशक घोषित किया गया था, ठीक है। तो आम सभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं न्यायिक परिषद और जो आपका सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इस प्रकार ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, किसने कहा जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? तो इनमें से यह किसने कहा, किससे संबंधित यह कथन है कि जब तक मार्गेंथाउ के सिद्धांत का प्रभाव बना रहेगा तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में कोई प्रगति संभव नहीं है? हाफमैन, बेनो वासरमैन, हैंस कार्लसन या क्विंसी राइट? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, यह कहा था बेनो वासरमैन ने। किसके संबंध में था ये, मार्गेंथाउ के सिद्धांत के प्रभाव के बारे में, बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें था, किसने कहा शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच का मनोवैज्ञानिक संबंध ही राजनीतिक शक्ति है? तो राजनीतिक शक्ति यानी पॉलिटिकल पावर के संबंध में यह किसने कहा कि शक्ति का प्रयोग करने वाले तथा जिसके विरुद्ध शक्ति प्रयुक्त होती है, इन दो तरह के राष्ट्रों के बीच मनोवैज्ञानिक संबंध ही पॉलिटिकल पावर है? मॉर्गेंथो, कैटलिन, आर एच टोनी या लासवेल? यह कहा था मॉर्गेंथो ने, ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मॉर्गेंथो से संबंधित है यह कथन, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, असिस्टेंट प्रोफेसर का यह पेपर है और हो सकता है इसमें से प्रश्न बन जाए लेक्चरर मेंस के लिए या यूसेट, इसके अतिरिक्त नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली भर्ती के लिए। अगला प्रश्न था इसमें, NPT और CTBT पर भारत की स्थिति क्या है?
एनबीटी इसका पूर्ण रूप होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रीटी, हिंदी में कहते हैं इसको परमाणु अप्रसार संधि, और एनपीटी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 1968 में एनपीटी पर हस्ताक्षर हुए थे। सीटीबीटी का पूर्ण रूप है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि से कहते हैं, और यह 1996 में अस्तित्व में आई थी, यानी 1996 में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत की स्थिति क्या है एनपीटी और सीटीबीटी के संबंध में? भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, गलत है, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, यह इसका सही उत्तर होगा, बाकी ये दो नहीं है। तो भारत ने ना तो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और ना सीटीबीटी पर, तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिए, निशस्त्रीकरण से संबंधित ये संधियां हैं, तो यहां से प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक सदस्य नहीं था? क्या पूछा गया? नहीं था। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी जिसे शॉर्ट में नाम कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और यह सी युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था जब साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट में नहीं जाना चाहा नौ स्वतंत्र राष्ट्रों ने जो 1945 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए थे। तो जो न तो साम्यवादी गुट में गए न पूंजीवादी गुट में गए, उन्होंने एक तीसरा गुट बनाया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहा गया। तो उसके संस्थापक सदस्य कौन नहीं थे? पंडित नेहरू तो इसमें थे, अब्दुल नासिर भी थे, मार्शल टीटू भी थे, लेकिन फिदेल कास्त्रो इसमें नहीं थे। फिदेल कास्त्रो थे कौन? यह क्यूबा के राष्ट्रपति थे, क्यूबा का मिसाइल संकट आपने सुना होगा, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस। तो यह एक साम्यवादी कंट्री है, अमेरिका के तट से लगा हुआ एक द्वीपीय देश है, फिदेल कास्त्रो यहाँ के राष्ट्रपति थे 1961-62 के आसपास। ठीक है, अगला प्रश्न था, देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? देतांत इसे अंग्रेजी में कहते हैं डिटेंट, तो डिटेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच या ग्रीक? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रेंच। तो देतांत शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। अगला प्रश्न था, तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया, यानी थर्ड वर्ल्ड, प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया? तो तीसरे या तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इरविंग, होरोविच, लेस्टर आर ब्राउन, ई एच कार या अल्फ्रेड सोवी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, तृतीय विश्व शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था अल्फ्रेड सोवी ने, तो यह इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, इसमें सार्क के कितने सदस्य और प्रेक्षक देश हैं? सार्क से संबंधित प्रश्न है और 2017 तक ये पूछा गया था। सार्क क्या है? दक्षिण एशियाई देशों का एक ग्रुप है जिसे दक्सेस भी कहते हैं, दक्सेस कहें या सार्क कहें, ठीक है। तो जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनका एक समूह है यह, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव, श्रीलंका, ये देश आते हैं। कुल मिला के सार्क में वर्तमान में 8 देश हैं जिसे दक्सेस भी कहते हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू में है नेपाल में, समझ गया। तो 2017 तक इसमें कितने सदस्य और प्रेक्षक देश थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें थे 8 सदस्य देश और 9 प्रेक्षक देश, तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और वर्तमान में इसमें 8 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न था, इसमें ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं, ल्यूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? इनमें से समानता, समर्थता, विभेदीकरण या उपरोक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। तो ल्यूसियन पाई के अनुसार ये तीनों राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषताएं हैं, यानी समानता, समर्थता और विभेदीकरण। परमाणु अप्रसार संधि से अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? परमाणु प्रसार संधि, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1968 में इस पर हस्ताक्षर हुए, भारत ने इस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए। इसका पूर्ण रूप है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिरेशन ट्रीटी, जिसे हिंदी में परमाणु प्रसार संधि कहते हैं।
तो इससे अलग होने वाला प्रथम देश कौन था? चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया या कनाडा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया था वह देश, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न था इसमें, एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया है, कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण किया? प्रत्याहरण का मतलब है जो उससे विड्रॉ हो गया, यानी जो उससे हट गया। चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया या इथोपिया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, इंडोनेशिया। तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्याहरण करने वाला एक देश है। अगला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जेम्स रुजनाउ, चार्ल्स मैकलेलैंड, मोर्टन कापलन या केनेथ वाल्टच? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, चार्ल्स मैकलेलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न था इसमें, निम्न में से कौन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो इन चारों में से कौन सा निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है? रिचर्ड स्नाइडर, HW ब्रंक, HJ मोर्गेंथो या बर्टन स्पेन? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, HJ मोर्गेंथो निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है, तो यह इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न था इसमें, स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? भूगोल, विचारधारा, जनसंख्या या नेतृत्व? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, नेतृत्व। इनके अनुसार यानी स्टीवन रोजन और वाल्टर जोन्स के अनुसार, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आराम से आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। अगला प्रश्न था इसमें, मोर्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है राजनय, प्रचार एवं राजनीतिक युद्ध, राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन या युद्ध? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजनय यानी डिप्लोमेसी। तो मोर्गेंथो के अनुसार राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण साधन है राजनय यानी डिप्लोमेसी। अगला प्रश्न था, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काहिरा में नहीं, दिल्ली में नहीं हुआ, लुसाका नहीं, यह हुआ था बेलग्रेड में जो कि इंडोनेशिया में। ठीक है, और कब हुआ था? 1961 में, 1961 में, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न था इसमें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, इंटरनेशनल जो कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, 9 वर्ष का या 12 वर्ष का? प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यह 9 वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है जो कि नीदरलैंड में है, पीस पैलेस भवन में है, तो यहाँ पर जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था इसमें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? इस पर हमने कल भी डिस्कस किया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 51। ठीक है, तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है और यह आता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यानी भाग 4 में और अनुच्छेद 51 में, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 51। ठीक है, आर्टिकल 51, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न था, मैकमोहन रेखा स्थित है, ये तो काफी सरल है, सही उत्तर है भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन, और भारत पाकिस्तान के मध्य है रेड क्लिप, यह आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत एवं चीन के मध्य, तो ये इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न इसमें था, निम्न में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? इन चारों में से कौन खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है? मार्टिन कापलान, आर्थर ली बंस, जॉन एच हर्ट्ज या रिचर्ड ई क्वाइंडट? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, जॉन एच हर्ट्ज खेल सिद्धांत का समर्थक नहीं है, बाकी मार्टिन कापलान, आर्थर ली बंस और रिचर्ड ई क्वाइंडट यह खेल सिद्धांत के प्रतिपादक समर्थक हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न था इसमें, किसने कहा राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। तो यह किसने कहा कि राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे? इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। रॉबर्ट मिसेल्स, लावेल, जीन बोलेंडल या गिलबर्ट? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यह कहा है लावेल ने, तो यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि होती है, चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया जो भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल अवधि कितनी होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, या तो कार्यकाल 6 वर्ष होगा या उम्र 65 वर्ष होगी, तो इन दोनों में से जो भी पहले पूर्ण होगी वो मुख्य चुनाव आयुक्त की अवधि या कार्यकाल माना जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से किस सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है? कुलीन तंत्र, संसदीय, राजशाही या तानाशाही? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संसदीय, यानी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उसे उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में रख लीजिए, बाकी कुलीन तंत्र, राजशाही, तानाशाही तो हो नहीं सकते। तो कुछ प्रश्न सरल भी आते हैं और कुछ क्वेश्चन काफी कठिन आते हैं। अगला प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से किसी जाति या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है? तो इन चारों में से किसी जाति को या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार है, यानी कोई किसी को ओबीसी या एसटी घोषित कर सकता है, तो किसे है यह पावर? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, गृहमंत्री को, पिछड़ी हुई जातियों या जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, यह अधिकार है भारत के राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी जाति को या जनजाति को पिछड़ी हुई जाति या जनजाति घोषित कर सकती है। अगला प्रश्न है, अल्पतंत्र का लोह नियम सिद्धांत किसने दिया? अल्पतंत्र का लोह नियम, मोस्का, मिसेल्स, परेटो या लासवेल? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, यह दिया है मिसेल्स ने, तो यह आप ध्यान में रख लीजिए। अगला प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? इन चारों में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? एफ ए हायक यह संबंधित है, मिल्टन फ्राइडमैन भी संबंधित हैं, रॉबर्ट नोजिक तो हैं ही, इस प्रकार उपरोक्त डी प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये तीनों विचारक नव उदारवाद से संबंधित हैं, यह आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और आराम से आप इन्हें हल कर सकते हो। अगला प्रश्न था इसमें, किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? इन चारों में से किसने ऐसा कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल, लास्की, सेबाइन या ग्रीन? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह कहा था सेबाइन ने, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न था, किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं? तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा, प्रेशर ग्रुप को? एलन आर बाल, लास्की, मायरन विनर या फाइनर? प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, फाइनर ने कहा था दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य हैं, तो ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है, जो प्लेटो की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रिपब्लिक, स्टेट्समैन भी है, लॉज भी है, रिपब्लिक भी है, ये प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं,
तो रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है? आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। यह प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसका केंद्रीय विषय है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था मनु, यानी जो मनुवाद है। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? जो मनु के विराट पुरुष की अवधारणा है उसमें राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? 4, 7, 15, 8। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 8 देवताओं की शक्ति होती है मनु के विराट पुरुष की अवधारणाओं में राजा के पास। तो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आखिरी के 10 प्रश्न बचे हैं, ध्यान से वॉच कर लीजिए। इसमें अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? तो इन चारों में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? बेंटले, लिकाक, कैटलिन या लास्की। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था। समझ गया। अगला प्रश्न था, इसमें लॉक के निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया गया? तो लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया? प्रश्न को पूरा पढ़ना है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या समानता का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, समानता का अधिकार। बाकी जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार को लॉक ने अपनी प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित किया था, लेकिन समानता के अधिकार को नहीं किया था। तो यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, इसमें भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है? जो आर्टिकल 371 है उसमें कुछ राज्यों को विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं। तो 371 वाला जो अनुच्छेद है उसके अंदर इनमें से किस राज्य का वर्णन नहीं मिलता? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु इसमें नहीं है। इसमें कुल 12 राज्य हैं। तो महाराष्ट्र भी है उसमें, आंध्र प्रदेश भी है, गुजरात भी है, लेकिन सी वाला ऑप्शन तमिलनाडु इसमें नहीं है। कुल राज्यों की संख्या उसमें कितनी है? 12। ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न था, यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी एंड ऑफ अनटचेबिलिटी? तो ये तो काफ़ी सरल प्रश्न है, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 इसका उत्तर होगा। और यह मौलिक अधिकारों के अंदर आता है, जिसे समानता के अधिकार के अंदर रखा जाता है, ठीक है। अगर आप प्रश्न था, लोक लेखा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जो लोक लेखा समिति होती है उसके सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं लोक लेखा समिति के सदस्य। अगला प्रश्न था, इसमें निम्न में से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? तो इनमें से कौन सा उपागम इस विश्वास पर आधारित है कि आर्थिक आधार वैचारिक तथा राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है? ऐतिहासिक भौतिकवाद, संस्थावाद, व्यवहारवाद या क्रिया सिद्धांत। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आखिरी के 3 प्रश्न बचे हैं, आराम से वॉच कर लीजिए। यहाँ पर पूछा गया था, निम्न में से कौन पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? तो पॉलिटिकल आर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक कौन हैं इनमें से? कालिन लेच, लूसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, मारी आन लेवी जू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, इसके लेखक हैं सैमुअल हंटिंगटन। तो सी वाला ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न था, इसमें प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का आशय है, इससे क्या तात्पर्य है? सुसुप्त स्वान सिद्धांत का आशय
डायरेक्ट आपको उत्तर बताता हूं मैं इसका। निम्न सहभागिता सरकार के लिए बेहद संतोषप्रद है। तो प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का आशय है निम्न सहभागिता सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से किसके कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है। तो इसमें जनहित याचिका आपने सुना होगा, यानी जो रिट है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत कोई हाई कोर्ट। तो किसके कारण अनुच्छेद 32 और 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है? रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता या लोकहितवाद। प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकहितवाद के कारण अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के जो अंतर थे वो समाप्त हो गए हैं एक प्रकार से। आज का आखिरी प्रश्न ये है और इसी के साथ हमने ये पूरा पेपर हल कर लिया है। यहाँ पर पूछा गया था संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। संप्रभुता का जो एकल सिद्धांत उसके प्रतिपादक कौन है? जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, लॉक, रूसो। प्रश्न का सही उत्तर आपको पता होगा ही, जॉन ऑस्टिन। तो यह संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो इसमें कुल 100 प्रश्न थे। फर्स्ट पार्ट्स में हमने हल किए 50 प्रश्न और 50 प्रश्न आखिरी के आज हमने हल किए हैं। मुझे लगता है ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे, इससे आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप परीक्षा के पैटर्न को और प्रश्न के कठिनाई स्तर को समझने में सक्षम हो पाओगे। और यदि आपने इसका भाग एक नहीं देखा है तो आप उसे वॉच कर लीजिए, उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।